सुशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार विरोध हो रहा है। युवा सड़कों पर उतरकर इस योजना के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं और नारेबाजी करते हुए बस और ट्रेनों को आग लगा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद की गई पुलिस फोर्स आसपास के गांव में युवाओं को एकत्रित होकर बल्लभगढ़ में उपद्रव मचाने की सूचना पर मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने भी उपद्रवियों से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अग्निपथ बवाल मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशनों तक लगातार पुलिस मुस्तैद है और युवाओं को प्रदर्शन करने और से रोकने की कोशिश में लगी हुई है। फरीदाबाद से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज। किस तरह से पुलिस मुस्तैद है कि युवा यहां पर विरोध प्रदर्शन ना कर पाए? बस स्टैंड की बात की जाए या रेलवे स्टेशन की बात की जाए या अलग पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पुलिस भारी बल पुलिस बल्लभगढ़ में तैनात कर दिया गया है और पुलिस की जो सार्वजनिक जगह है वहां पर पुलिस की तरफ से कैमरा लगाए गए हैं। अगर किसी प्रकार का जो कोई उपद्रवी यहां पर वो करेगा तो उस पर नजर रखी जाएगी और वीडियो ग्राफिक के जरिए उस पर नजर भी रखी जाएगी। उसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पेट्रोलिंग कर रही है, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्योंकि आज फरीदाबाद में जो युवा है उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि उनकी तरफ से जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी किया जाएगा, उसी को लेकर जो पुलिस फोर्स है वो भारी मात्रा में बढ़ाई गई है। जी, क्या कोई उच्च अधिकारी भी मौजूद है? क्या किसी उच्च अधिकारी के दिशा निर्देशन में ये कार्य किया जा रहा है और युवाओं को क्या समझाने की भी कोई कोशिश की जा रही है मनोज कि युवा विरोध प्रदर्शन ना करे? फरीदाबाद के उपायुक्त पुलिस कमिश्नर साहब कल मौके पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सभी आला अधिकारी की मीटिंग ली और उन्हें सख्त चेतावनी दी है। अगर कोई भी उत्पादी यहां पर प्रदर्शन करता है तो उससे सख्ताई से निपटा जाएगा और जो युवा जो नाराज हैं अग्निपथ योजना को लेकर उनको भी समझाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी या मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। क्योंकि लगातार जो युवा है वो कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो तैयारी किया है वो छह सात सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। जो सरकार जो उन्हें जो नौकरियां दे रही है वो सिर्फ 4 साल के लिए, उसको लेकर वो काफी नाराज हैं। इसी को लेकर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो विरोध है वो तनावपूर्ण स्थिति बल्लभगढ़ के अंदर बनी हुई है। जी जी मनोज, उस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अग्निपथ बवाल को लेकर एक्शन मोड में अलीगढ़ एसएसपी दिखाई दे रहे हैं। एसएसपी के आदेश के बाद लगातार मुकदमों का दौर शुरू हो गया है। एसएसपी के आदेश के बाद अब तक 35 प्रदर्शनकारी जेल भेज दिए गए हैं तो वहीं दूसरी ओर 80 प्रदर्शनकारी अब तक हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ जारी है। एसएसपी कलानिधि नैथानी साफ तौर पर उनका कहना है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर बक्से नहीं जाएंगे। कपल में जो कल उपद्रव की जो सूचना प्राप्त हुई थी उसको वहाँ पर उपलब्ध बल द्वारा उसको वहाँ पर जो स्थिति है उसको नियंत्रण में लाया गया और 4 बजे तक पूरा फ्लैग मार्च वगैरह कराकर स्थिति को एकदम सामान्य कर दिया गया था।
इस संबंध में 4 FIR दर्ज कराई गई थी, 2 पुलिस की तरफ से और 1 रोडवेज की तरफ से और 1 जनता के व्यक्ति के द्वारा। इन 4 FIR के आधार पर कल ही गिरफ्तारी की गई थी। रात भर में जो गिरफ्तारियां हुई, सुबह 35 लोगों को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया। कल से लेकर अब तक कुल मिलाकर के 80 के लगभग लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे जो जेल भेजे गए उसके अलावा जो शेष हैं उनसे भी पूछताछ। का साफ तौर पर कहना है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर बक्से नहीं जाएंगे। वहीं FIR के आधार पर 35 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। अलीगढ़ SSP एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अग्निपथ बवाल को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है अलीगढ़ में। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना आने के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। ये युवा है जो सेना की तैयारियां कर रहे हैं, वो सरकार की इस योजना से नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के दौरान तमाम सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आगजनी की गई, ट्रेनों में आगजनी की गई, जिसको लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। वही अग्निपथ बवाल को लेकर अलीगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही SSP अलीगढ़ कलानिधि नैथानी का कहना है कि अभी तक जो 35 प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता नितेश इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, किस तरह से तैयारियां हैं SSP की वहां पर युवाओं को प्रदर्शन से रोकने के लिए? अगर बात करें तैयारियों की, तो तैयारी SSP द्वारा बहुत ज्यादा तैयारी की है। प्रशासन बहुत एक्शन मोड पर है, लगातार टीम किया जा रहा है और उपद्रवी किसी भी कोने पर छोड़ना नहीं चाहते। प्रशासन इतना हाई अलर्ट है कि लगातार उस पर काम कर रहा है और अभी तक 80 संदिग्ध लोगों की जांच हो चुकी है, उसमें से 35 जेल भी भेजे जा चुके हैं और लगातार पुलिस एक्शन मोड पर लगी हुई है। नितेश, क्या कुछ कहना है इन युवाओं का? आखिर युवाओं को ये योजना क्यों नहीं समझ आ रही? अलीगढ़ के युवाओं को क्या कुछ उनकी शिकायत है? क्या आपने किसी युवा से बात करने की कोशिश की? अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं का कहना है कि 4 साल की नौकरी में हम क्या कर पाएंगे। और सबसे मेन बात उनका ये कहना है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनको बहाल कर दिया जाए, पहले उनको बहाल कर दिया जाए, फिर नई योजना का आगे निस्तार किया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद नितेश। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मानपुरी के दौरे पर है। मानपुरी पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले नगर के प्रसिद्ध चंदेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के दर्शन पूजन किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर जो जनता में भ्रम है और ये योजना युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को बड़ी रकम मिलेगी, जिससे युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने रोजगार स्थापित कर सकेंगे। लाखों की संख्या में हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। 4 साल तक की नौकरी के बाद वो एक बड़ी रकम लेके भारत सरकार से फौज के द्वारा रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा उनको, उससे अपनी भी तमाम रोजी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब वो 21-22 साल की उम्र में सेवा समाप्त करने के बाद सामाजिक जीवन में आएंगे तो उसी उम्र के बाद प्रदेश और राज्य सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं या भारत सरकार की अन्य क्षेत्रों में जितनी भी नौकरियां हैं वो उसी के दौरे में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ उन्होंने खास बात अग्निपथ योजना को लेकर कही है? जी,
जी मैं आपको बता दूं, ये केंद्रीय संस्कृत मंत्री एवं पर्यटन मंत्री ये मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मैनपुरी का जो प्रतिष्ठित मंदिर महादेव का था चांदेश्वर मंदिर, वहां पर शंकर जी की पूजा अर्चना की और कुछ सम्राट नायकों से भी मुलाकात की। उसके बाद में ये अग्निपथ पर बोले। उन्होंने कहा कि युवा जो है विरोधी राष्ट्र विरोधी ताकतों के जो लोग हैं उन्हें बहका रहे हैं, वो बहकावे में ना आए। उन्हें जो है नौकरी में भी तीनों जो सेनाएं हैं उनमें अपनी ट्रेनिंग करने के बाद में पैसा तो मिलेगा ही, उसके साथ में नौकरी में भी प्राथमिकता दी जाएगी और ये बहुत अच्छी योजना है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मुनीश। रायबरेली में एक दिवसीय राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। उन्होंने जहां एक तरफ किसानों का सम्मान किया और उन्नतशील खेती को बढ़ावा देने की बात कही, साथ ही गांधी परिवार पर तंज भी कसा और कहा कि रायबरेली पिछले जनपदों में अभी भी आता है। बीते 40 सालों में रायबरेली के लोगों को केवल कंक्रीट ही मिला है, लेकिन अब रायबरेली इस बेटे को मौका मिला है, अब यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वहीं दूर दराज से सैकड़ों किसानों ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में 773 जनपद हैं, उन 773 जनपद में 250 जनपद सबसे पिछड़े जनपद हैं, सबसे इन 250 जनपद में रायबरेली भी एक जनपद है। रायबरेली में राजनीति करने वाले जो राजनीति की फसल काटते आए हैं उन लोगों ने रायबरेली के किसानों को कभी मजबूत होने नहीं दिया, और इस बात का प्रमाण है कि हमारे 550 से अधिक जिले रायबरेली जनपद से बेहतर हैं हमारे हिंदुस्तान में, और राजनीति करने वाले सबसे ताकतवर थे हिंद। रायबरेली आत्मनिर्भर न होने पाए, ये रायबरेली में जो अब तक राजनीति करते आए हैं लोग उन लोगों की साजिश थी। अब रायबरेली का बेटा रायबरेली की सेवा लायक हो गया है। हम रायबरेली के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का, रायबरेली के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास। अग्निपथ के प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कों पर अधिकारी तैनात दिखे और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में बीते दिन हुए बवाल को लेकर अब अधिकारी भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। यही कारण है देहात क्षेत्रों में भी लगातार अधिकारियों की टीम चेकिंग के लिए जा रही है। अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझाने का प्रयास अधिकारी कर रहे हैं। कहीं कुछ जगह पर आपने देखा होगा अग्निवीर से संबंधित लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, तो आज ये बेसमा कस्बा में हम सभी लोग हैं और यहाँ की जनता को सभी से अपील की है कि किसी तरह के बहकावे ना आए, न किसी तरह कोई प्रदर्शन करें, इसलिए यहाँ पे शांति व्यवस्था है सभी लोगों पर। नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, सभी लोगों को बता दिया गया और सभी से अपील की गई है कि किसी भ्रामक तथ्य में ना उलझें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। ग्रुपों में खबर चल रही थी कि कल यहाँ पे जाम होगा, नहीं इस तरह की चीज़ें थी, लोगों को समझाया गया बताया गया है, तो अभी कोई ऐसी। अलीगढ़ के तहसील इगलास में स्थित नगर पंचायत बेसिक में खारे पानी को लेकर आम जनता परेशान रहती है, जिसको लेकर बीते दिनों भाजपा के मनोनीत पार्षद के द्वारा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था और पार्षद पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंचे अधिकारियों के मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक मामले में एक्शन नहीं लिया गया और पार्षद साफ तौर पर कहना है कि अगर जल्दी वाटर प्लांट शुरू नहीं किया तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। शीलेंद्र सोनी, क्या पद है नगर पंचायत में आपका? मनोनीत सभासद हूँ मैं वर्तमान में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वार्ड नंबर 7 बेसमा का निवासी। ये नगर पंचायत द्वारा आरओ लगाया गया है, इससे आरओ से कहीं पानी तो बढ़ नहीं रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने लगभग 1 वर्ष पहले ये मुद्दा उठाया था, आपको भी मालूम होगा कि नगर पंचायत में मीठे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, धनीधर सरोवर पर पानी लेने जाते हैं, वहाँ भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जब मैंने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की थी
तो ईओ नगर पंचायत बीसवा चेयरमैन बाबू जो भी थे उन्होंने मुझे बैठा के ये आश्वासन दिया था कि एक महीने के अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को एकत्रित होकर लाइब्रेरी कैंटीन में सेनेटरी गेट पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पर निशाना साधते हुए मुरादाबाद के जमकर नारे लगाए। दरअसल पिछले कुछ समय से एएमयू कैंपस में लूट और छिनौती की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर न तो सीसीटीवी कैमरे सही के काम कर रहे हैं और न ही स्ट्रीट लाइट किसी भी जगह पर लगी है। छात्रों का कहना है कि शाम के समय कैंपस में अब डर लगने लगा है, इसलिए हॉस्टल में जल्द चले जाते हैं जिससे कोई घटना ना हो पाए। देखिए कैंपस का आप लोगों को पता ही होगा, कैंपस का पिछले दो हफ्ते से ऐसा माहौल है कि हर शाम को यहाँ चोरी हो रही है। कल हमारे बच्चे की मोबाइल और लैपटॉप चोरी हुआ है। कल शाम को हमारी बहन एटीएम से पैसा निकाल रही थी तो जूँ ही उसने पैसा निकाला बाहर निकल गई, उसका पैसा चोरी हो गया है। परसों एक लड़का जब लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था उसकी बाइक चोरी हुई है। तो एट गन पॉइंट, दिस इज़ ऑल हैपनिंग एट गन पॉइंट। और कल्चरल प्रोग्राम, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो रहा है। इतना फियर और डर का माहौल है कि हर अब बच्चा लाइब्रेरी लेट आने से, वापस आने से डर रहा है। यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। फर्रुखाबाद में बहुत ही सामान्य घर से आने वाले छात्र ने कड़ी मेहनत से जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कनकोली पट्टा निवासी 14 साल के छात्र ने आज 10वीं में 571 अंक लाकर 95.17% के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है और जिले का नाम रोशन किया है। छात्र ने भविष्य में NDA के माध्यम से एयरफोर्स में अफसर बनने की इच्छा जताई है। साथ ही छात्र की इस कामयाबी से उसके परिवार वाले खुश हैं। चुनाई तो भैया होती है क्योंकि हमारे जो इनके पापा हैं प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मैंने बहुत मतलब मुसीबत उठा के अपने बच्चों को पढ़ाया है और मुझे भरोसा था पूरा कि मेरा बच्चा टॉप करेगा, क्योंकि मैंने जो त्याग किया है उसका परिणाम मुझे तो मिलेगा जरूर। कितनी बच्ची हैं? दो बेटी बड़ी बेटी टेंथ में, ट्वेल्थ में है। जाएगी बेटी भी मेरा हमेशा टॉपर रही सरस्वती विद्या मंदिर में। इन्होंने जब से पढ़े हैं तब से हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट ही आए। ऊपर माध्यमिक शिक्षा परिषद का 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, 12th का भी रिजल्ट आ चुका है। फर्रुखाबाद में भी पता चल चुका है कि फर्रुखाबाद में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है। हम उस बच्चे के घर में मौजूद हैं जिसने फर्रुखाबाद जनपद में प्रथम स्थान हासिल किया है और वो प्रतीक राजपूत हैं। जब हम इनके घर पे पहुंचे तो पता चला इनके पिताजी भी जो मेजर डिग्री कॉलेज है उसमें बीएड के गणित प्रभाग के प्रवक्ता हैं और बच्चा पहले से ही पढ़ने में होनहार रहा है। साथ ही ये भी एक रोचक जानकारी प्राप्त हुई कि जो बच्चा 10th क्लास का है वो सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाता है। कहीं कह सकते हैं कि बच्चे की जो मन में जिज्ञासा रही है, बच्चों को पढ़ाने की बात आती है, अलग से बात आती है। जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा खुद यूपी बोर्ड का है लेकिन वो पढ़ाता 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का है। तो हम बात करते हैं उस बच्चे से जिसने जनपद फर्रुखाबाद में प्रथम स्थान हासिल किया है। बेटा आपका क्या नाम है और आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? सर मेरा नाम प्रतीक राजपूत है, मैंने 571 नंबर 600 में से प्राप्त किए हैं। बेटा किस विद्यालय के आप पढ़ने वाले हैं? हम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जयनाथ वर्मा रोड से पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, तो आपने जनपद फर्रुखाबाद में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जब आपको ये जानकारी मिली कि आप फर्रुखाबाद में 10th क्लास के टॉपर हैं तो आपके किस तरीके के मन में विचार आया और आपके परिजनों को जो पता चला तो कैसा उनका सबसे पहला रिएक्शन था? सर हमें पहले से ही पता था क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और नंबर हमारे अच्छे थे, जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने ही आने थे, तो इस वजह से खुशी बहुत थी। लेकिन हमारे एक ही मैरिज में 5 नंबर से रह गए, इसको थोड़ा सा अच्छा। और जब आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं तो घर वालों को बताया तो किस तरीके से घर वालों ने रिएक्ट किया? घर वालों ने ज़्यादा खुशी नहीं थी, उनको पता ही था पहले से ही आना है, तो फिर भी सब बहुत खुश थे। अच्छा एक रोचक जानकारी आपके बारे में प्राप्त हुई है कि आपको छोटा गुरु कहा जाता है, इसके विषय में क्या बात है? हाँ मतलब कि मैं अभी हाल ही 2 सालों से जो है मैं पढ़ने में सही था, तो मैं बच्चे आते थे छोटे क्लासेस के तो उनको मैं पढ़ाता था और मैंने जब अपना 10th का मैथ कम्प्लीट कर लिया, साइंस भी कम्प्लीट कर लिया, फिर बच्चे आते थे उनको मैं पढ़ा देता था, तो ऐसे ही लगभग 1 साल तक मैंने पढ़ाया। तो एक बात पता चली है कि आप यूपी बोर्ड से होने के बाद सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और 10th क्लास के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड पढ़ाते हैं, तो ये आपने कब से पढ़ाना चालू किया और किस तरीके से आप उनको डील करते हैं?
जुलाई से पिछले साल से मैंने स्टार्ट किया था और अभी अप्रैल तक मैंने पढ़ाया। तो आज आपने 10th क्लास में इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं और आगे के क्या आपका विचार रहेगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने अंक प्राप्त किए और आगे मैं 12th में भी इस टाइप से टॉप करना चाहता हूँ और आगे मैं एनडीए से जो है एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ एज एन ऑफिसर। तो जैसा कि देखा कि जब मैं बच्चे से बात की तो उसने कहा कि वो 12th क्लास में भी टॉप करना चाहता है और आगे एनडीए ऑफिसर बनना चाहता है। जनपद गाजियाबाद की डासना जेल में बंद कुछ कैदियों में अभी भी पढ़ने की ललक है और वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। डासना जेल में बंद 33 कैदियों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा दी। वहीं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में 25 कैदी शामिल हुए। परीक्षा देने वाले सभी कैदियों ने जेल में रहकर ही परीक्षा की तैयारियां की थी। इनमें से हाईस्कूल में 31 कैदी पास हुए जबकि 2 फेल रहे। इसके अलावा इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले सभी 25 कैदी पास हुए हैं। कैदियों में सबसे ज्यादा 70.2% अंक प्राप्त किया। वहीं रिजल्ट आते ही सभी में काफी ज्यादा खुशी दिखाई दी। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।